मित्रों, पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि नीलगाय एक गोवंशी प्राणी नहीं है, क्योंकि इसमें गायों की तरह चार थन न होकर दो ही थन होते हैं तथा इनकी मादाएं सिंगविहीन और नर सिंग युक्त होते हैं तथा नीलगाय अपने मल गोबर की तरह ना करके बकरी की तरह करते हैं। अब आइए नीलगाय से संबंधित कुछ रोचक जानकारी देखते हैं। नीलगाय या बुलबुल जो अपने प्राकृतिक आवास से हैबिटेट के बर्बाद होने के कारण किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, इनको एशिया के सबसे बड़े मृग या एंटीलॉप्स होने का गौरव प्राप्त है। जी हाँ, नीलगाय के नाम में भले ही गाय शब्द लगा हो, लेकिन वास्तव में यह पशु गाय नहीं बल्कि मृग या एंटीलॉप्स की प्रजाति है, क्योंकि अभी अभी इनके जिन जिन लक्षणों की चर्चा की गई है वे सभी लक्षण एंटीलॉप्स या मृगों के हैं। जैसे इनके सिंह अस्थाई होते हैं और केवल नर में होते हैं। तो मित्रों, आप इस भ्रम में कदापि न रहिएगा कि हिरण और मृग दोनों एक ही हैं। हिरण एंटीलर्स होते हैं जबकि मृग एंटीलॉप्स कहलाते हैं। हिरण के सिंह अस्थाई होते हैं और हिरण अपने सिंह हर वर्ष त्याग देता है, अर्थात इसमें हर साल नए सिंह आते हैं, जबकि एंटीलॉप्स के सिंह अस्थाई होते हैं और केवल नर में सिंह पाए जाते हैं। वास्तव में नीलगाय इस प्राणी के लिए उतना सार्थक नाम नहीं है, क्योंकि नीलगाय की मादाएं भूरे रंग की होती हैं। नीलापन वयस्क नर के रंग में पाया जाता है। वयस्क नर लोहे के समान स्लेटी रंग का अथवा धूसर नीले रंग का शानदार जानवर होता है। इसके आगे के पैर पिछले पैर से अधिक लंबे और बलिष्ठ होते हैं, जिससे इसकी पीठ पीछे की तरफ ढलुआ होती है। नर और मादा दोनों के गर्दन पर आयाल होता है, जबकि नरों की गर्दन पर सफ़ेद बालों का एक लंबा और सघन गुच्छा होता है तथा नरों के पैर पर घुटनों के नीचे एक सफ़ेद पट्टी होती है तथा नरों में छोटे नुकीले सिंह होते हैं। नीलगाय दिवाचर प्राणी अर्थात दिन में चलने फिरने वाला प्राणी है। यह घास भी चरती है और झाड़ियों के पत्ते भी खाती है और मौका मिलने पर की फसलों पर धावा भी बोलती है और हमारी खड़ी फसलों को भारी नुकसान पहुंचाती है। इस जंतु की सूंघने और देखने की शक्ति अच्छी होती है, परंतु सुनने की शक्ति कमजोर होती है। यह खुले एवं शुष्क प्रदेशों में रहना पसंद करती है। ऐसे क्षेत्रों में उसे शिकारी जंतु दूर से ही दिखाई देते हैं और यह जंतु भाग खड़ी होती है। ऊबड़ खाबड़ जमीन पर यह घोड़े की तरह तेजी से बिना थके काफ़ी दूर भाग जाती है। घने जंगलों में भूल कर भी नहीं जाती है। सभी नर नीलगाय एक स्थान पर आकर मल त्याग करते हैं, लेकिन मादाएं ऐसा नहीं करती हैं। नीलगाय बहुत कम आवाज़ करती है, लेकिन इनकी मादाएं कभी कभी भैंस के जैसे रंभाती हैं। इसके प्रजनन का मुख्य समय नवंबर से जनवरी होता है, जब नरों की नीली झाई वाला खाल सबसे सुंदर अवस्था में होती है। इसके बच्चे सितंबर अक्टूबर महीने में पैदा होते हैं। उस समय घास की ऊंचाई इन्हें छिपाने के लिए पर्याप्त होती है। झुंड की सभी मादाएं मिलकर बच्चों को पालती हैं। भूख लगने पर बच्चे किसी भी मादा के पास जाकर दूध पीते हैं। यह जंतु अत्यंत गर्मी को भी बर्दाश्त कर सकती है। यह कई दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकती है। मित्रों, अगर हम देख रहे हैं कि नीलगाय इंसानी आबादी के बीच आ रही है, तो इसका मुख्य वजह है कि हमने इसके प्राकृतिक आवास में अतिक्रमण कर रखा है। इससे यदि बचना है तो बहुत जरूरी है कि इन्हें प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराई जाए, न कि इनकी निर्मम हत्या की जाए। दूसरी बात, हमारे देश में वन्य जीवों के प्रति आम लोगों की जानकारी का स्तर बहुत ही शोचनीय है। हम गलत जानकारी के द्वारा लोगों में जो भ्रम पैदा करते हैं, वही ज्ञान उनमें चिरस्थायी ज्ञान हो जाता है। जैसे गो या मॉनिटर लिजर्ड के बच्चे को हमारे देश में बीस खोपरा नामक एक अलग जहरीला जीव मानकर उसकी हत्या कर दी जाती है, जबकि हमें पता होना चाहिए कि भारत में पाया जाने वाला कोई भी लिजर्ड जहरीला नहीं होता है। डर के कारण कोई व्यक्ति मर जाए वो अलग बात है। इसी प्रकार नील गाय को गाय माना जाता है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो ये सिद्ध करते हैं कि वन्य जीवों के बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं। तो जब हम वन्य जीवों के बारे में सामान्य जानकारी ही नहीं रखते हैं, तो उनको संरक्षित कैसे कर सकते हैं? इसलिए सरकार को एक व्यापक वन्य जीव जागरूकता अभियान चलाने की ज़रूरत है, तभी हम इन वन्य जीवों को संरक्षित कर सकते हैं। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।